एक आदमी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, घर में पत्नी बीमार पड़ी है, आप एक पति का फर्ज निभाएं। ध्यान रखिए, एक पत्नी बीमार है, उसको बुखार आ रहा है, उसकी तबीयत खराब है, और आप क्या कह देते हो कि मैं ऑफिस जा रहा हूं, रामू के साथ अस्पताल चले जाना, मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, वह आएगा, देखेगा, इलाज करेगा, ठीक कर देगा। ऐसा रखो, ये 200 रुपए पकड़ डॉक्टर की फीस। ये पति का धर्म है? अरे पति का धर्म ये नहीं है कि रुपए दे करके चला जाए और कहे कि डॉक्टर से इलाज करा लेना। अरे पति का धर्म तो ये है कि देख, तू आज बीमार है, मैं 10 मिनट ऑफिस लेट जाऊंगा, लेकिन पहले तुझे अस्पताल में चेक कराऊंगा, अस्पताल में दिखाऊंगा, पहले तेरी जांच कराऊंगा, अस्पताल लेकर के जाए, गाड़ी में बिठा करके ले ऑफिस, थोड़ा लेट चले जाओ मेरे भाई, दुनिया में और काम में भी तो लेट हो जाते हो ना, तो पत्नी को बीमारी की हालत में लेट नहीं हो सकते हो, लेट हो जाओ। अरे फोन, डॉक्टर को फोन करने की अपेक्षा अपने बॉस को फोन करो कि आज मैं लेट आऊंगा, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, और मैं तो कहता हूं कि 200 रुपए की दवा वो सुकून नहीं दिलाया करती है, पति यदि गाड़ी में बिठा कर अस्पताल ले जाए तो आधी तबीयत उसकी वहीं ठीक हो जाया करती है। अरे इतना समय तो दो मेरे भाई, इतना समय तो अपने परिवार में देने का प्रयास करो। सोचो विचारिए, आपके पास समय नहीं है, आप बीमार हो जाओ ये 10 काम छोड़ के तुम्हारी सेवा करती है, विचार करिए, ये खाना ले। और जिस दिन आप बीमार हो ना और बच्चे बाहर हो, तो महिला वो महिला है, यदि पति बीमार और बच्चे बाहर है ना, तो महिला ढंग से खाना भी नहीं बनाती है, सोचती है कि सब्जी रोटी खा के निकाल दूंगी, किसके लिए बनाऊं, पति तो बीमार है और बच्चे बाहर हैं। हकीकत में देखो पुरुषों, तो हमारी महिला शक्ति वो शक्ति है जो भोजन भी अपने लिए नहीं बनाती, वो तुम्हारे लिए बनाया करती है, बच्चों के लिए बनाया करती है। जिस दिन आप बाहर रहेंगे, कोई पत्नी ऐसी नहीं होगी इस हिंदुस्तान में कि पति बाहर चला गया, बच्चे बाहर हैं, खूब माल मलीदा बना करके खाए, अरे अचार पराठे खाती है और दिन गुजार दिया कर, किसके लिए बनाना, किसके लिए सब कुछ करना। यदि आज ये नारी जीती है, किसके लिए जीती है, अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए जीती। इसने अपने लिए क्या किया, तुम कह सकते हो कि ये सौंदर्य है, ये सजधज के रहती है, अरे ये नारी तो वो नारी है मेरे भाई, यदि ये श्रृंगार भी करती है तो तुम्हारे लिए करती है। और जिस दिन तुमसे बिछड़ जाती है और जिस दिन पति का वियोग हो जाए, तो श्रृंगार का त्याग भी कर दिया करती है। ये किसके लिए कर रही है ये सब, दूसरों, नदी और नारी ये दूसरों के लिए जीती है मेरे भाई, ध्यान रखिए, दूसरों के कलंक को धोया करती है ये, दूसरों के पाप को धोया करती है। ध्यान रखिए, विचार करिए, सोचिए आप, ये मर्यादाएं थोड़ी सी हम अपने घरों में बरकरार रखें, ये छोटी छोटी बातें आपके जीवन को बहुत महान बना सकती हैं, ध्यान रखना। और यदि इन छोटी बातों पर आपने ध्यान नहीं दिया, बच्चों के भविष्य पर आपने ध्यान नहीं दिया, एक बात मान करके चलना आज मेरी, उस दिन मैं तुम्हें बहुत याद आऊंगा, अभी तो नहीं आऊंगा, जिस दिन तुम्हारा बेटा एक एल्बम लेकर के आएगा और मां बाप से कहेगा कि देखो पापा ये एल्बम, आप एल्बम देखेंगे, पलटते जाएंगे, और पूरा एल्बम देखने के बाद जब बच्चे से पूछेंगे कि बेटा ये क्या है, तो बच्चा कहेगा ये पूरे हिंदुस्तान के वृद्धाश्रम है पिताजी, पसंद कर लो तुमको कौन से वाले में जाना है, ये सपने, ये दृश्य तुम्हारे सामने। और जिस दिन आएंगे, उस दिन भगवान याद आए या ना आए, पुलक सागर तुमको जरूर याद आएगा, ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन है। और उस दिन याद करना, काश हमने सही दिशा दे दी होती तो आज ये बच्चा हमें घर से नहीं निकालता, बल्कि अपने दिल के आसन में बिठा करके रखता, सम्मान के आसन में बिठा करके रखता। ये संस्कार यदि आपने ना दिए, ध्यान रखना, आपके भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। फिर मत आना मेरे पास कि हमें निकाल दिया गया है घर से, बच्चों को ऐसे ढालो। और मैं तो हर जगह ये कहता हूं कि अपने बच्चे को गमले का पौधा मत बनाओ, अपने बच्चे को जंगल का पौधा बनाओ मेरे भाई, इतनी सुविधाएं और इतने साधन प्रदान मत करो।